नमो बुद्धाय। ज्ञान से मनन करने के बारे में एक सुंदर बात बता देंगे। अगर हम लोग नीच चीज पर, पंचकाम हो या नीच इच्छाओं पर आशा करने जाएगा तो हमारे पास प्रज्ञा रहता नहीं है। उनके पास प्रज्ञा जैसा कुछ रह जाएगा, उनके पास थोड़ा मनन भी है, लेकिन वो योनिसो मनसिकार नहीं है, ज्ञान से मनन नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रज्ञा है, वो अपना प्रज्ञा के कारण मनन करके खतरा से बच जाते हैं। इसलिए कल्पना करके, ज्ञान से मनन करके काम करने का कीमती समझने के लिए कोशिश करिए। एक कारण समझना चाहिए कि सारे लोगों को ये ज्ञान से मनन करके काम करने का क्षमता बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत कम लोगों के पास है ज्ञान से मनन करके काम करने का क्षमता। ऐसा है तो ज्ञान से मनन करने का क्षमता जिसके पास है, उन लोगों के साथ संगत करेंगे तो हम लोगों का भी ज्ञान से मनन करने का शक्ति बढ़ जाता है। ऐसा ज्ञान से मनन करने वाले ज्ञानी लोग के साथ रहने से हम लोगों का प्रज्ञा किस प्रकार सुरक्षा हो जाता है? आज्ञाकारी होने से और कोई मार्ग नहीं है। जो देने वाले उपदेश को मानने से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसा है तो उपदेश देने पर लोग सुरक्षा होता है क्या? नहीं होता है। सुरक्षा होता है किस कारण से? उपदेश को मानने से, उपदेश देने से नहीं, आज्ञाकारी होने से। ऐसा है तो एक आदमी, एक बच्चा आज्ञाकारी नहीं हुआ तो, देने वाले उपदेश को नहीं मानेंगे तो वो पूरा आश्रम रहने वाले सारे लोगों के लिए खतरा हो जाता है। चाहे वो घर में घर हो या कोई भी सोसाइटी हो, कोई आश्रम मंदिर हो, आज्ञाकारी नहीं हुआ तो, अववाद उपदेश को नहीं मानेंगे तो वो खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं है, पूरे सबको हो जाता है। जिसका मन उपदेश में पसंद है तो, आज्ञाकारी होने में पसंद है तो वो मन बिल्कुल ठंडा है, वो एकदम शांत है मन। उनका मन में हमेशा सही संदेश चल जाता है, सही मैसेज चल जाता है, गलत मैसेज कभी नहीं जाता है। उपदेश मानने वाले मन वैसा है, हमेशा शांत हो जाता है, सीधा रहता है, कभी गलत की ओर नहीं ले जाता है। लेकिन उपदेश को नहीं मानने वाले मन ठंडा नहीं है, गर्म है, कठोर है, भटकते रहता है। उसी व्यक्ति को अगर ज्ञान से मनन करके प्रज्ञा से कुछ उपदेश देगा तब भी वो मन में नहीं चल जाता है, मन में बैठता नहीं है ऐसा बात।
गलत रास्ता पे वो पकड़ लेता है, लगता है मुझसे जलन करता है, लगता है मुझसे नाराज है, लगता है कुछ कारण से ऐसे होता है। इसी प्रकार गलत फहमी हमेशा लेते रहता है कोई उपदेश देगा तो। इसके बाद वो हमेशा घृणा मन से रहता है, जब भी उपदेश देता है तो घृणा होता है, मन उसी उपदेश में लगता नहीं है, हमेशा गलत ढंग से मनन करता है, लगता है मेरे बारे में जान गया, लगता है मेरा बारे में कोई चुगली किया, लगता है मुझसे जलन करता है, लगता है कोई ना कोई गलत फहमी आकर के वो विचार को उपदेश सुनने वाले ठंडा मन को डुबा के गर्म कर देता है मन। तब मन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, भटकते रहता है हमेशा। जब उपदेश मिला उसी दिन उसी समय से काना नहीं खा पाता है, चैन से नहीं रह पाता है, ध्यान करने पर भी अच्छे से मन शांत नहीं होता है, वही याद आ जाता है। देखिए कितना खतरा है। तो उस समय वो कुशल पे रहता है या तो फिर अकुशल में रहता है, अकुशल पर रहता है वो, कुशल पर नहीं। जब तक उसको टेंशन रहेगा तब तक अकुशल बढ़ते रहता है। इसीलिए जिसके पास प्रज्ञा है, ऐसे प्रज्ञावान लोग कितना भी प्रयास करके, कितना भी मेहनत करके, कितना भी मनन करके समझाने के लिए कोशिश करते ऐसे करो ऐसे होना अच्छा है, ऐसे होना बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे तुम ऐसा ऐसा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, सुंदर होगा, सबको प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे बहुत बोलने पर भी उस उपदेश का भी मन में जाता नहीं है। लेकिन याद रखिए उपदेश से ही, अवाद से ही हम लोग सुरक्षित हो जाता है, आरक्षित हो जाते हैं। ये कारण अगर समझ लेंगे तो, कौन सा कारण, उपदेश से ही, आज्ञा से ही हम लोग सुरक्षित होते हैं, और कोई रास्ता से नहीं। आज्ञा नहीं मिलना मिलेगा तो, उपदेश नहीं मिलेगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये विचार अगर मन में है आ गया तो, तथा जिसके पास प्रज्ञा है, जो योनिसो मनसिकार करता है, उनके संगत में रहने से ही मेरा कल्याण हो जाता है। ये कारण भी अगर सोच के मनन करके समझ लेंगे तो वह हमारा मन बहुत नम्रता हो जाता है, मुदिता हो जाता है। मुदिता मतलब सॉफ्ट, मन सॉफ्ट हो जाता है, कठोर नहीं। दो कारण, पहला कारण क्या है, उपदेश तथा आज्ञा से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा कारण, जिसके पास प्रज्ञा है, ये उनसे मनसिकार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगत करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। ये दो कारण, भूल गए ना तुरंत, आप लोग का भी दूसरा दुनिया में है इसीलिए याद नहीं। वैसा मनन करके हम लोग कल्याण मित्र तथा आज्ञा पर प्रसन्न हो जाएगा तो, उपदेश पर प्रसन्न हो जाएगा तो हम लोग का मन सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब हिंदी में क्या है, मुलायम होता है। वो मन कुशल में आ गया है, वो मन ठंडा हो जाता है, ठंडा मन है, वो मन में प्रबोध है, प्रबोध मतलब एकदम एक्टिव है वो मन, खिला हुआ फूल जैसा। सुबह सुबह सूरज उगते समय फूल कैसे हंसते हंसते रहता है, वैसा मन रहता है। सुबह थोड़ा धीमा धीमा बारिश गिर के सूरज उगने के बाद पौधा कैसे रहता है हंसते हंसते, वैसा हो जाता है उनका मन, क्योंकि वो मन कुशल में आ गया है।
वो मन ठंडा हो गया है, हमेशा वो मन खुश नसीब में ही रह जाता है। उसी मन पर अगर कोई उपदेश मिल गया तो विस्तार से बताते समय तुरंत वो मन योनिसु मनसिकार करके वो समझ लेता है उपदेश को, वो फायदा है। वो मन को कोई भी चीज समझ सकता है। क्योंकि वो मन हर पल कुशल पर रहता है, अकुशल पर नहीं। उसी को कहा जाता है योनिसो मनसिकार, उसी को कहा जाता है ज्ञान से मनन करना। तो योनिसो मनसिकार करने वाले लोग हर पल खुश नसीब से ही रहते हैं। ये काम सारे लोगों को कर पाएगा? नहीं कर पाता है। अववाद उपदेश आज्ञा से हम लोग को मिलने वाले कल्याण तथा लाभ तथा सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज्ञा तथा उपदेश से हमारा कल्याण हो जाता है, सुरक्षित हो जाते हम लोग। हर पल हम लोग को लाभ ही लाभ मिलते रहता है। उसी फायदा के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए। समझ कर उसी अववाद को बिना त्याग कर प्रयास करने में पसंद होना चाहिए, प्रयास करने के लिए पसंद होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध के समय में जो कोई व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध के संगत में रह गया तब भी जीवन बेकार हुए लोग था। देवदत्त, कोकालिक और वो कौन है, नहीं सुनाकथ, ऐसे लोग भगवान बुद्ध की चीवर में टच होते होते रह गए, कभी पैर भी दबाए, भगवान बुद्ध के पात्र भी लिए हैं, ऐसे संगत में रह के भी वो लोग नरक में गए मरने के बाद। तो ऐसा है तो प्रज्ञावान लोगों के साथ रह जाएगा तब भी प्रज्ञावान लोगों का उपकार हमारे साथ कनेक्शन नहीं होता है। क्यों कनेक्शन नहीं होता है, क्यों हमारे साथ प्रज्ञावान लोगों का अवाद नहीं मिलता है? क्योंकि हम लोग उन लोगों का उपदेश से मिलता नहीं है, इनकार करते हैं, मानता नहीं है। तो याद रख एक बात, ये ऐसा है तो अववाद से ही, अववाद हिंदी है ना, उपदेश से ही, आज्ञा से ही हमारे जीवन सुरक्षित हो जाते हैं। ये समझ जाएंगे तो हम लोगों को हमारा मन उपदेश में झुका सकता है, हमारा जीवन सुरक्षित होता है। किस चीज़ से? उपदेश से ही हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है, अनुशासन से, और कोई चीज़ से नहीं। अनुशासन को अगर हटा दिया तो वो कोई भी चीज़ हटाने के लिए तैयार, सब कुछ त्याग कर देगा। अगर जो व्यक्ति मनन करेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाते, और कोई चीज़ सूत्र पढ़ने से, आठ अनाट सूत्र पढ़ने से, आशीर्वाद धागा पहनने से, अलग अलग चीज़ पकड़ के रह जाएगा तो, तथा ऐसे कोशिश करेगा तो वो हमेशा सोचता है, मतलब हम मेरे बात समझ गया, वो समझता नहीं मेरा जीवन सुरक्षित होता है उपदेश से, अनुशासन से। वो बिना समझ के वो सोचता है मेरा जीवन सुरक्षित होता है आठ अनाट्य से,
आशीर्वाद पाने से, ये चीज़ से, वो चीज़ से मेरा जीवन सुरक्षित होता है, वो ऐसा गलत फहमी आ गया तो उनको अगर कोई आ करके उपदेश देंगे तो, अनुशासन करेंगे तो, आज्ञा देंगे तो, वो आज्ञा दुश्मन जैसा समझता है। इसके बाद उसी दिन से एक थोड़ा सा दाग लग जाता है, मुझसे जलन करता होगा। फिर बाद में सोचता है नहीं, मेरा मन में गलत विचार आ गया है, लेकिन आ गया ना एक बार, फिर आते ही रहेगा वो, इसके बाद वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे धीरे। सचमुच मुझसे जलन करता है, हम रहेंगे ना इसके साथ, जब हम देखता है तब ये हमसे जलन करता है, हमको चैन से रहने देता ही नहीं। धीरे धीरे बढ़ते 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 अंत में चूहा बिल्ली, वो गुरु तो उसको चूहा बिल्ली नहीं, लेकिन उसका मन चूहा बिल्ली बन जाता है। इसके बाद वो हर एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार, भगवान बुद्ध को छोड़ देते हैं, आर्य ज्ञान को छोड़ देते हैं, आर्य सत्य को त्याग करते हैं, वो दुख में फंस जाते हैं। उसी प्रकार अगर मनन करेगा तो कितना भी प्रज्ञावान लोग बगल में, अरहंत बनते लोग रह गया था भी, उनसे कोई शरण नहीं पा सकता है, मदद नहीं मिलता है। इसीलिए अगर हम लोग मनन करेंगे तो हम लोग सुरक्षित होता है, अववाद से, उपदेश से, अनुशासन से ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं, आज्ञा से ही हम लोग सुरक्षा हो जाते हैं। उसी प्रकार समझ लेंगे तो अतिशय प्रज्ञावान व्यक्ति है वो। क्यों, कैसे वो अतिशय प्रज्ञावान बन जाते हैं? क्योंकि उनसे भी ज़्यादा प्रज्ञावान व्यक्ति से हर पल उनको अनुशासन मिलते रहता है, मार्ग मिलते रहता है, इसीलिए वो अतिशय प्रज्ञावान बन जाते हैं। ऐसा है तो प्रज्ञावान लोगों का ज्ञान की शरण को पाना चाहेंगे तो क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा नहीं है तो प्रज्ञा नहीं पा सकता है। तो ये अनुशासन को मानने वाले लोग कैसा होगा? अनुशासन मानने वाले लोग को सोतापन नहीं, श्रद्धानुसारी नहीं, बल्कि सिर्फ सूत्र का ज्ञान रहने वाले। पापी आदमी अगर सूत्र उपदेश देगा तो भगवान बुद्ध की वाणी उसी प्रकार बता देंगे तो वो भी बहुत काफ़ी है सुधरने के लिए। जो नहीं सुधरता है, अनुशासन को नहीं मानता है, उनको तथागत भगवान बुद्ध भी आके बता देंगे तो सोचेगा अभी तो एक दो महीना भगवान बुद्ध आश्रम में रहेंगे ही, बाद में हम ज़रा उनसे समझ लेंगे, अभी हमको ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। इसीलिए हम आप लोग को बार बार उपदेश मिलता है ना, अनुशासन मिलता है ना, ये मत करिए, ये करिए, ये बात मुझसे बिना पूछ के मत करिए, ये कर दिया तो मुझसे बताइए, कोई गलती किया तो मुझे आके बताइए, ऐसा अनुशासन मिलता है ना बार बार। वो सारे अनुशासन हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा कल्याण के लिए मिलता है। उसी प्रकार समझ जाएंगे तो वो सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए वो कारण अच्छी तरह समझ लीजिए, नहीं है तो सोचिए, नहीं है तो मूर्ख लोग सोचता है कैसे, जो मूर्ख है, असली मूर्ख है, तो थोड़ा सा गलत बात कोई गलत देख लिया, बताया तुम ये गलत करता है, सिर्फ आज हुआ है, फिर कभी नहीं हुआ, बचने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद उसको डांट दिया तो फिर सोचता है मिस्टेक से हुआ है, हमसे कभी ऐसे होता नहीं है, हमेशा खुद को बचाने का चक्कर पे है, वो कौन है? अनुशासन मानता नहीं है।
उसके पास योनिस मानसिकार नहीं है। योनिस मानसिकार है तो सोचिए 100 को 99 अच्छाई हो गया, एक गलती हो गया, उस गलती देखने के बाद पूरा डांट मिला, वो अनुशासन मिला, पूरा मार भी दिया, हाथ जोड़ के मानते हैं जो कुछ गलत किया हो अच्छाई को कभी बोलता नहीं है। हमसे भी पहली बार हुआ वो भी नहीं बोलता है जी मुझसे गलती हो गया जी जी, ऐसे करके जो दंड देता है सारे दंड स्वीकार करता है, वो प्रज्ञावान है, वो यौन से मनस्कार करते हैं। इसलिए आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं अपना जीवन को उन्नति की ओर ले जाके सुरक्षा करने वाले, सुंदर अनुशासन करने वाले, कल्याण मित्र को इज्जत सत्कार सम्मान करके मिलने वाले अनुशासन को परिपूर्ण प्रकार से सुरक्षा करके सारे लोगों को खुश नसीब से जीने का भाग्य मिल जाए।